गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डायरी के पन्ने पार्ट फोर, शुक्रवार 19 मार्च 1943। मेरी प्यारी किट्टी, लेखिका शुक्रवार 19 मार्च 1943 को किट्टी को लिखती हैं कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई, क्योंकि टर्की युद्ध में शामिल नहीं हो रहा था। हमें जो उत्साहवर्धक अफवाहें सुनाई गई थी वह झूठी थी। 1000 गिल्टर के नोट अवैध घोषित होने से काले धंधे वालों को बुरी तरह झटका लगा। इनसे भी ज़्यादा झटका भूमिगत व्यक्तियों को लगा। इन्हें कर अदा करने के लिए भी सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया गया, तथा साथ ही 500 गिल्टर के नोट भी बेकार हो जाएंगे। गियड एंड कंपनी पर भी ये नोट बेहिसाब थे, परंतु इन्होंने आगामी वर्षों के लिए कर अदायगी में निपटा दिया। इस प्रकार यह उलझन तो कम हो गई थी। लेखिका बताती हैं कि मिस्टर डसेल को एक पुरानी दांतों की डील मिल गई, अर्थात अब मेरे दांतों का चेकअप होना था। घर के कायदे कानून में मिस्टर डसेल बेहद आलसी हैं। ये चार्लोट तथा अन्य कई लोगों के साथ पत्राचार कर रहा, परंतु इनके पत्र मेरी बहन को जो डच अध्यापिका थी वह ठीक कहती हैं। पापा के मना करने पर दीदी ने यह काम बंद कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। लेखिका किट्टी से बताती हैं कि हिटलर साहब घायल सैनिकों से बात कर रहे हैं। हिटलर से एक सैनिक बताता है कि मेरा नाम हेनरिक सोपेल है, मैं सनालिंग्राद में घायल हो गया। रेडियो पर सैनिकों की बातों से लग रहा था कि वे घायल होकर भी बहुत उत्साहित थे। कुछ तो हिटलर से मिलकर ही उत्साहित हो गए। अचानक मुझसे डसेल का साबुन गिरा और पैर पड़ने से गायब हो गया। मैंने पापा से इसकी भरपाई करने को कहा। लेखिका किट्टी को बताती है कि युद्ध के समय सिर्फ एक घटिया सी साबुन की बट्टी मिलती थी और पत्र बंद कर देती हैं। शुक्रवार 23 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी, लेखिका किट्टी से शुक्रवार 23 जनवरी 1944 के पत्र में बताती हैं कि मैं परिवार तथा राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में रुचि लेने लगी। हालांकि मैं पढ़ती हूँ, बीबीसी की होम सर्विस समझती हूँ, परंतु फिर भी रविवार को पसंदीदा कलाकारों की तस्वीरें काटने और संग्रह करने में बिताती हूँ। मिस्टर कुगलर की मेहरबानी है कि हर सोमवार मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति लाते हैं। हमारे परिवार के लोग इसे रुपयों की बर्बादी समझते हैं, परंतु विस्मित हैं कि 1 साल के बाद भी मैं किसी भी फिल्म के कलाकारों, उनकी कहानियों और समीक्षाएं किसी फर्राटे से सुना देती हूं। मम्मी ने मजाक किया कि तुम्हें तो फिल्म देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेखिका किट्टी से बताती है, मैं जब नई केस सजा करती हूँ तो परिवार वाले किसी फिल्म स्टार की नकल समझते हैं। उनके टोकने और मजाक करने की वजह से आधा घंटा से ज़्यादा मेरा हेयर स्टाइल टिक नहीं पाता। कोई यकीन नहीं करता कि हेयर स्टाइल मेरी स्वयं की खोज है। मैं उनकी टिप्पणियों से तंग आकर गुसलखाने में जाती हूँ। मेरे बालों को जो घुंघराले हैं फिर उलझ जाते हैं। यह लिखकर लेखिका पत्र बंद कर देती है।